मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और श्योर हूँ कि हिसार के गढ़ को दोबारा जीतने का काम भी करेंगे। और जहाँ जो लोग हमें अंडर एस्टिमेट करा करते थे, मैं ये मानता हूँ कि जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक गठबंधन अपने आप में हरियाणा में एक ऐतिहासिक वोटिंग परसेंटेज को दर्ज करने का काम करेगा और ये साबित करेगा कि आज अल्टरनेटिव के तौर पर लोगों ने अपनाया भी है और आगामी विधानसभा के लिए लोग हमें चुनने का भी काम करें। पिछली बार के एग्जिट पोल उठा लो, मेरे ख्याल से 2009 की विधानसभा के एग्जिट पोल उठा लो, शायद 9 विधायक दिखाया करते थे जब 32 जीते थे। पिछली बार हिसार की सीट को तो किसी एक भी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया, सिरसा दिखाते थे और नहीं तो जीरो दिखाते थे जब भी 2 जीते थे। तो एग्जिट पोल्स तो नंबर का खेल है, 9000 या 900 लोग 11 लाख वोटरों के भविष्य को तय नहीं कर सकते। और ये जो भी चीज़ें आई है, मैं ये मानता हूँ ये तो कल सबके सामने होगी, तो मैं क्लियर पिक्चर भी 11 और 12 बजे के बीच में पूरे देश की हो जाएगी। जो लोग एक फोबिया की वेव की बात करते हैं, जनता दिखा देगी कि आज बदलाव जरूरी था और बदलाव के लिए लोगों ने वोट डाला। बीजेपी 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, हालांकि उन्होंने जश्न भी मनाना शुरू कर दिया है। दावे करने से अगर बात होती तो लोकदल भी 10 कर रही है, मगर दावों से नहीं जनता के वोट से बदलाव आते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि कल हरियाणा अपने भविष्य को चुनने का काम करेगा, ये तय करेगा कि किस ओर हरियाणा की जनता आगामी विधानसभा की अंगड़ाई को लेने का काम। विधानसभा आगे लिए किस तरह की तैयारियां शुरू की गई है? हमने तो अपने ओर से जहां सिरसा जिले के बाद आगे फरीदाबाद गुड़गांव उनकी बैठकें ली और उसके बाद यही तय किया है कि एग्रेसिवली 23 की शाम से ही अपने काम को आगे लेकर चलेंगे और जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को विधानसभा चुनाव में अचीव। अशोक तंवर जी को मैं इतना बोलना चाहता हूँ, शायद कांग्रेस का विलय किसी और दल में ना हो जाए, राष्ट्रीय तौर पर ये हालात कांग्रेस की आ रही। पिछली बार तो 45 जीत के आए थे, जो आशंका और हालात लग रहे हैं इस बार 45 के 46 नहीं शायद 44 भी देश की जनता कर देगी। नतीजों का असर कितना होगा विधानसभा? मैं ये मानता हूँ दोनों अलग एस्पेक्ट पर लड़े जाएंगे। लोकसभा का चुनाव का एक विजन अलग होता है और विधानसभा के चुनाव का विजन अलग देखा जाता है। एक विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखता है, वहीं 9 विधायक की कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलाकर एक सांसद चुनती है और दोनों अलग एंगल्स पर लड़े जाएंगे, मगर एक पृष्ठभूमि जरूर तय करेगा ये चुनाव जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शायद रेस को और तेज करने का काम करे। नेता प्रतिपक्ष के लिए जोर आजमाइश कांग्रेस ने शुरू कर दी है, कल किरण चौधरी को भी खत लिखा गया, क्या लगता है कि आपको कांग्रेस की गुटबाजी के बाद ये पॉसिबल हो पाएगा? ये तो फैसला कांग्रेस का है और कांग्रेस जो निर्णय लेगी, क्योंकि अब नंबर उनके पास 17 है तो उनका अधिकार भी बनता है, मगर वो किसको बनाएगी वो तो फिर घुमा फिरा के राहुल गांधी पे जाएगी। ईवीएम पर एक सवाल उठाए जा रहे हैं बार बार सुरक्षा के लिए, आप क्या कहते हैं? जहाँ हिसार की बात है, हमारे तो 9 के 9 विधानसभा सेगमेंट्स के जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो एक स्टेडियम के अंदर है, वहाँ पर हमारे भी साथी तैनात है, पुलिस भी तैनात है, प्रशासन भी तैनात है। वहाँ तो कोई ऐसी खबर नहीं आई, मगर खबर फतेहाबाद से ज़रूर आई थी जहाँ पर एक ट्रक संदूकों का आया था, उसको वहाँ से भेज दिया गया बिना चेकिंग के। तो अपने आप में क्वेश्चन मार्क तो लगाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको क्यों नहीं चेक किया। यही वीडियोस आप लोगों के माध्यम से यूपी की, बिहार की, दरभंगा की आई है, जहाँ पर ऑटो रिक्शा में ईवीएम ड्रॉप करे जा रहे हैं, कैंटरों में ईवीएम ड्रॉप करे जा रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग रूम एक बार सील हो जाए उसके बाद ईवीएम की मूवमेंट किस आधार पर करी जा रही है, इस पर तो इलेक्शन कमीशन जवाब दे। मैं ये मानता हूँ कि जैसे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का कल बयान आया है, ये एक गंभीर विषय है कि देश के उच्च पद पर रहे हुए लोग भी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन को गंभीरता से इसको मॉनिटर भी करना चाहिए और इसके ऊपर अपना जवाब भी देना चाहिए।